अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हम ग्लॉसरी ऑफ ए एंड बी करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। व्हाट इज एक्टिव सेल? बच्चों, एक्टिव सेल जो है, एक्सेल की शीट जब आप खोलते हो तो आपका जो प्रेजेंट समझने के सेल जो होता है, जहाँ पे आप वर्क करोगे, उसे कहा जाता है एक्टिव सेल। तो द सेल वेयर द कर्सर इज लोकेटेड एट प्रेजेंट इज कॉल्ड एक्टिव सेल। यानी कि एक सेल जहाँ पे कर्सर जो है आपका लोकेट होगा कि आपने यहाँ से काम स्टार्ट करना है, उसे एक्टिव सेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज एडवेयर? एडवेयर बच्चों एक फ्री सॉफ्टवेयर होता है जो कि खुद ब खुद प्ले हो जाता है, डिस्प्ले हो जाता है, डाउनलोड हो जाता है, इश्तिहार जो हैं वो कंप्यूटर पे चलना शुरू हो जाते हैं खुद ब खुद, उसे एडवेयर का नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। व्हाट इज एनिमेशन? बच्चों एनिमेशन जो है, स्क्रीन पे आप देखते हो कि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हरकत करते हुए आपको नज़र आते हैं, उन्हें एनिमेशंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है। व्हाट इज एंटीवायरस? जब आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो एंटीवायरस प्रोग्राम जो है वो आपके कंप्यूटर से वायरसेस को जो है वो रिमूव करता है, यानी कि ऐसे सॉफ्टवेयर्स देखता है जो आपके सिस्टम को नुकसान पहुँचाते हैं, उसको तलाश करता है और फिर उसको ख़त्म कर देता है, उसे एंटीवायरस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है। व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? बच्चों एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो कि यूज़र के ख़ास काम करने के लिए बनाया जाता है, यानी कि यूज़र्स जो हैं वो फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकें इस सॉफ्टवेयर की बदौलत, तो इसे नाम दिया जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसे ALU कहा जाता है? ALU बेसिकली बच्चों प्रोसेसर का एक पार्ट होता है जहाँ पे असल जो है काउंटिंग की जाती है, इसलिए इसे ALU का नाम दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट इज बार कोड? बार कोड क्या है? अ कोड ऑन अ प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ बार्स दैट यूजली कंटेन्स यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट सच एज इट्स प्राइस ETC। बच्चों ये आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारी चीज़ों पर बार्स बनी हुई होती हैं जिसपे यूज़फुल इंफॉर्मेशन भी दर्ज होती है कंप्यूटर के अंदर, यानी कि आप समझ लें कि आपकी कोई भी अगर खाने की चीज़ है उस पे आप देखो कि बैक पे 12 लाइंस जो हैं वो ब्लैक कलर की लाइंस जो हैं वो शो हो रही होंगी, तो ये जो कोड है ये कंप्यूटर में पहले से ही एंटर किया जाता है, तो इसकी जो है प्राइस इस कोड की मदद से आप देख सकते हो कि इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, यानी कि इस प्रोडक्ट के मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन, सारी इन्फॉर्मेशन है वो आप बार कोड की मदद से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 आ रहा है आपका। डिफाइन बार कोड रीडर और स्कैनर। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिन पे बार कोड बना हुआ होता है, तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इन बार कोड को पढ़ता कौन है। तो बार कोड को पढ़ा जाता है रीडर या स्कैनर होते हैं बार कोड, एक ऐसा आला होता है जो कि बार कोड को पढ़ सकता है और बता सकता है कि इसकी प्राइस क्या है, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, तो ये बार कोड रीडर और स्कैनर करता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। डिफाइन बायोस। बायोस बच्चों इसे शॉर्ट फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहा जाता है। एक ऐसा कोड होता है जो मुश्तमिल होता है ऐसी इंफॉर्मेशन पे, ऐसी तमाम इंफॉर्मेशन पे जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने की के लिए ज़रूरी होती है, तो इसे बायोस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका आ रहा है। व्हाट इज़ ब्लूटूथ? बच्चों ब्लूटूथ जो है आजकल सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा कि लैपटॉप वगैरह में भी, मोबाइल फ़ोन वगैरह में भी ब्लूटूथ जो है टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। ये टेक्नोलॉजी जो है बगैर तार के ज़रिए डाटा को ट्रांसफ़र करती है लिमिटेड एरिया पे। इसकी लिमिट जो होती है वो 30 फीट्स तक होती है, यानी कि 30 फीट्स तक आप अपना जो डाटा है वो ट्रैवल या ट्रांसफ़र कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। व्हाट इज़ बूट? बूट जो है बच्चों, टू स्टार्ट अ कंप्यूटर जो है उसे बूट कहा जाता है, यानी कि कंप्यूटर को स्टार्ट करना। तो बच्चों ये आपकी ग्लॉसरी है ए और बी की, ये शॉर्ट क्वेश्चंस बने हुए हैं, आपने इनको कॉपी पे उतारना है और याद भी करना है। मैं एक बार फिर आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ तक आपका ये काम है, आपने इसको कॉपी पे नीट उतारना है और इसको याद भी करना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।